शिफाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लर्निंग एटीट्यूड। इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट ऑपरेट ऑन थ्री वैल्यूज। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है वो तीन वैल्यूज पे काम करता है। कंडीशनल ऑपरेटर इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह है। अभी हमने इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन के टू ब्लॉक्स होते हैं, एक इफ ब्लॉक होता है एक एल्स ब्लॉक होता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर पे फोकस करते हैं। हमने पढ़ा कि कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो तीन ऑपरेटर पे काम करता है। तीन इसका सिंटैक्स कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है। सबसे पहले वेरिएबल नेम, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन। हमें अपनी कंडीशन देनी है, उसके बाद वैल्यू वन और वैल्यू टू। अभी कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रेटर एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें मैंने कंडीशन डाली है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या तो वो ए रिटर्न करेगा क्या तो वो बी रिटर्न करेगा, यानी इन दोनों में से कोई एक हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर मैंने कंडीशन डाली है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और मेरी ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में बी की वैल्यू मिलेगी। हो रहा है, ठीक है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारा ए बी से बड़ा है यानी जो भी हमारी ये कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होती है तो वो हमें ए रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी ए हमें रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर हमारी ए की वैल्यू बी से छोटी होती है तो वो क्या करेगा, तो वो हमें बी रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने कोडिंग पहले से लिख के रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ। फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ए की वैल्यू बड़ी है या फिर बी की वैल्यू बड़ी है, ऑपरेटर का यूज़ करा है। सबसे पहले मैंने यूज़ करी है जो भी हमारी सी की हेडर फाइल होती है जो कि सारे प्रोग्राम्स में आती है, हैश इंक्लूड str.h। फिर void main फंक्शन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर मेन फंक्शन में मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, सॉरी डाटा टाइप लिया है, जिसमें मैंने तीन वेरिएबल्स लिए हैं ए बी और ग्रेटर, ठीक है। मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करा है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करा है, ताकि मैं यूज़र से दो वैल्यूज एंटर करा सकूं। अगर आपको यूज़र से वैल्यू एंटर नहीं करानी है यानी आप इसके कांस्टेंट वैल्यू रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं यूज़र से एंटर करा रही हूँ। जैसे कि मैंने दो नंबर्स एंटर कराए यूज़र से, उसके बाद मैं स्कैनफ का यूज़ करके उन दो नंबर्स की जो भी वैल्यूज़ होगी वो मैं स्टोर करा दूंगी ए और बी वेरिएबल में। फिर मैंने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करा है, ग्रेटर जो भी मेरा वेरिएबल है, ठीक है, यानी जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे ग्रेटर वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने कंडीशन लगाई है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो मेरा ए की वैल्यू रिटर्न होगी, या फिर अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मेरी बी की वैल्यू रिटर्न होगी। इसे कंडीशनल ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन आप देख रहे हैं और ये जो कॉलन का साइन आप देख रहे हैं, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक है। चेक करने के बाद मैंने उस आएगा उसको मैं ग्रेटर वेरिएबल में स्टोर करा दूंगी, यानी प्रिंट एफ के थ्रू मैंने ग्रेटर वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर करा दिया। इतना छोटा सा प्रोग्राम है, अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। अभी हमें बोल रहा है कि दो नंबर्स एंटर करो, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम इस कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं कि ए की वैल्यू हमारी बड़ी है, मैं ए की वैल्यू बड़ी डालती हूँ और बी की वैल्यू छोटी डालती हूँ, बी की वैल्यू मैंने जस्ट 20 डाली है, तो हमें क्या करेगा, ये ए की वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, द ग्रेटर नंबर इज 50, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अपनी कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं कि तब क्या होता है, यानी अगर मैं बी की वैल्यू ग्रेटर डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू 20 डाली है एंड बी की वैल्यू 50 डाली है, तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये हमें ग्रेटर नंबर रिटर्न करेगा। तो इसी तरह से हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम करता है। ये था आज का हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम विथ थ्योरी। थ्योरी तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन हमने प्रोग्राम किया जिसे हमें अच्छे से समझ आ गया कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और वो क्या करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस थ्योरी से रिलेटेड और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको रेड कलर के बटन को प्रेस करना है एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि मैं जो भी न्यूली वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचती रहे। फॉर वॉचिंग।